उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच एक बड़े सड़क हादसे की खबर अल्मोड़ा जिले से सामने आ रही है, जहां रामनगर से निकली बस अल्मोड़ा में अनियंत्रित होकर पलट गई। देखते ही इस बीच यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, सभी यात्री सुरक्षित हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रामनगर से कुमाऊं के लिए जा रही GMOU की बस मोहन क्षेत्र से ऊपर जाकर अल्मोड़ा जिले के सोराल क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने बस से सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे के बाद सभी यात्री सुरक्षित थे, किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क पर ही पलट गई। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व भी अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के सरायखेत से दिल्ली जा रही बस खाई में गिरने से बाल बाल बची थी। गनीमत रही कि चालक ने बस को नियंत्रित कर लिया था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।